Hello class, once again I am back with my new video for science class. Today I am going to take the new topic, that is chemical property of metal and non-metal. Early to this topic I have taught you about the physical property of metal and non-metal. In this video I am going to take the chemical property of metal and non-metal. मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है. फर्स्ट वन इज रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. ओके, सो मेटल एंड नॉन मेटल बोथ रिएक्ट विथ ऑक्सीजन आइदर वेरी फास्ट और आफ्टर हीटिंग. ओके, आइदर स्पॉन्टेनियसली और बाय हीटिंग दे प्रोड्यूस ऑक्साइड ऑफ द मेटल और नॉन मेटल. जब हम ऑक्सीजन के साथ मेटल नॉन मेटल का रिएक्शन कराते हैं तो वह ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, ठीक है. हाँ, यह रिएक्शन हो सकता है कि तुरंत हो जाए या कुछ टाइम गर्म करने के बाद. जैसे आप देखोगे कि लकड़ी को अगर जलाना होता है तो पहले इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं, उसके बाद जब मोमबत्ती की जो लौ होती है ना उसको जलाना होता है तो पहले उसको माचिस गर्म करते हैं, उसके बाद गर्म करने के बाद जब जलना तो छोड़ देते हैं, तो लगता है जलते रहता है. लेकिन कुछ ऐसे मेटल होते हैं जिनको हमें गर्म के बिना जल सकता है, ठीक है. जैसे सोडियम और पोटेशियम होता है. सोडियम पोटेशियम इतना जितना तेज से जलना शुरू करते हैं, ऑक्सीजन के साथ जुड़ना शुरू करते हैं. देखो ध्यान से, ऑक्सीजन के साथ जुड़ना कंबस्शन कहलाता है, बर्निंग ऑफ समथिंग इन ओपन एयर. खुली हवा में कोई चीज का जलना क्या कहलाता है, कंबस्शन कहलाता है. जैसे अगर हम आग जलाते हैं ना ठंडी में तापने के लिए, तो वो जो फायर वुड होता है वो एक्चुअल क्या होता है, वो होता है हमारा कंबस्शन, ठीक है. बर्निंग अब फ्यूल का कंबस्शन, जब फ्यूल जलता है उसको क्या कहते हैं, बर्निंग कहते हैं, कंबस्शन कहते हैं, क्लियर. तो जब सोडियम और पोटेशियम आपके दो जो मेटल है अगर इनको ओपन एयर में रख दोगे बिना कुछ किए, माचिस वगैरह जलाए भी, तो अभी वो फटाक से जलना शुरू कर देंगे. क्वेश्चन था माचिस क्यों जलाते हैं. फिर माचिस इसलिए जलाते हैं क्योंकि कुछ ऐसे मेटल होते हैं कि वो ऑक्सीजन के साथ तभी रिएक्शन कर सकते हैं जब उनको एक पार्टिकुलर टेम्परेचर मिलता है, ठीक है. और हमारे आसपास अगर उतना टेम्परेचर नहीं है तो हम उसके लिए स्पेशल व्यवस्था करते हैं, उसके लिए हम उसको गर्म करते हैं, चाहे उसको लाइटर जल गर्म करो, चाहे माचिस तेल गर्म करो, चाहे किसी भी तरह, ताकि उस टेम्परेचर तक पहुंचे और क्या जमा शुरू कर दे, क्लियर. तो मेटल और नॉन मेटल दोनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं या नॉन मेटल ऑक्साइड, यानी मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड, और फिर नॉन मेटल नॉन मेटल, ठीक है. तो मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है. ये हमारे दो क्या ऑक्साइड होते हैं, जैसे Na प्लस O2, Na2O, ठीक है. सोडियम प्लस ऑक्सीजन क्या होता है, सोडियम ऑक्साइड होते हैं. सोडियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है, सोडियम ऑक्साइड बनता है. यहाँ पे Na क्या है, Na सिंबल है, क्या है सिंबल है, ये हो गया हमारा क्या सोडियम प्लस, ये क्या है ऑक्सीजन है. अब मिल क्या बन जाएंगे, सोडियम ऑक्साइड, ये मेटल का. अब नॉन मेटल का देखेंगे, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन है CO2, तो कार्बन क्या है, सी फॉर कार्बन, ठीक है, ऑक्सीजन है, और ये हमारे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर. तो अगर देखा जाए तो ये मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल दोनों रिएक्शन करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ. कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो तुरंत रिएक्शन कर जाते हैं, उसमें क्या क्या नाम देते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम और पोटेशियम ऐसे दो मेटल हैं जिन जो बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं, इसीलिए इनको किसके अंदर रखा जाता है, किरोसिन आग के, किरोसिन आग के अंदर रखा जाता है. क्योंकि किरोसिन आग जो होता है एक इंसुलेटर है, उसके अंदर एयर नहीं जा सकती अंदर बाहर, अगर एयर नहीं जाएगी तो सिंपल बर्न नहीं करेगा,
उससे बचेंगे, उसको किसके अंदर रखते हैं हम, किरोसिनॉल के अंदर रखते हैं, क्लियर। उसके बाद जो ऑक्सीजन है, अगर हम मेटल ऑक्साइड को पानी में घोलते हैं तो भी घुल जाएगा, और नॉन मेटल ऑक्साइड घोलते हैं तो भी घुल जाएगा। मेटल ऑक्साइड जब घुलता है तो बेस बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है, बेस, ठीक है। चाहे इस साल या इससे पिछले साल आप पढ़े हो एसिड बेस साल्ट में, ठीक है, और यह घुलता है क्या बनाता है, एसिड। यानी इसका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, बीटर टेस्ट का होता है, और ये सावर टेस्ट होगा। उसके बाद लिटमस पेपर पे जो बेस जो है रेड को ब्लू में चेंज करता है, जबकि ब्लू को रेड में चेंज करता है लिटमस पेपर पे। तो ये इतना हो गया। बहुत सारे मेटल हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, इसमें से एक इंपॉर्टेंट आता है वह एल्यूमिनियम। क्या है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है जैसे गाँव में अब तो वायर लगता है ऐसे घुमा घुमा वाला, इसलिए काले वाला आता है जो कई बार एक समय मिले हुए हैं। पहले क्या था, अलग अलग वायर आते थे, ठीक है, खुले वायर आते थे एल्यूमिनियम के। तो शुरुआत में जब गांव लेते थे एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा चमकता था, लेकिन दो दिन चार दिन एक महीने हफ्ता भर में वो उसकी कलर धीरे डैम पड़ जाते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जो एल्यूमिनियम वो एटमोसफियर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करता था और क्या बनाता था, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यानी एल्यूमिनियम एयर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता था और Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता था, और यह जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड था वो उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर थी। क्या थी, प्रोटेक्टिव लेयर। अब उसको और किसी भी चीज से कोई नुकसान नहीं हो सकता था, ऑक्सीजन के ऊपर लेयर चढ़ जाती थी और ऑक्सीजन क्या करता, वह लेयर जो है बाहर साइड से कोई भी चीज का अटैक रोक देता था, यानी बाहर साइड से कोई नुकसान नहीं था। इसीलिए अगर मान लो कि एल्यूमिनियम जो वायर है वो धूमिल सा दिख रहा है, ठीक है, अगर उसको सैंड पेपर बालू कागज आता है ना उससे अगर रगड़ दोगे तो वो ऊपर के लिए रटने के बाद वो पूरा चमकने लगा फिर से, क्लियर। नेक्स्ट देखा जाए, अब क्या रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन। अगर वाटर के साथ का रिएक्शन देखें तो वाटर के तीन फेज में होते हैं वाटर, और तीनों के हिसाब से रिएक्शन होता है। कुछ ऐसे मेटल जो कोल्ड वाटर के साथ करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हॉट वाटर के साथ करते हैं, और कुछ क्या होते हैं स्टीम के साथ। कोल्ड वाटर मतलब बर्फ से ठंडा पानी नहीं, जो गांव जो घर में पानी होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, मान लो हैंडपम्प से या जो नॉर्मल टंकी वगैरह से, ऐसा नहीं कि अब गर्मी के मौसम में क्या है सेंटेक्स पर पानी रखा गया उसको क्या तो खुल जाता है उसमें से पानी, ऐसा नहीं। नॉर्मल जो पानी होता है जो ठंडा वगैरह थोड़ा सा रहता है वैसे पानी जो रहेंगे उनको कोल्ड वाटर कहेंगे। हॉट वाटर मतलब जो गर्म कर दिए जाते हैं पानी, उबाल देते हैं, और उबालने पर जो पानी होता है वो हो गया। और कुछ जो होते हैं स्टीम भाप से होते हैं, क्या होते हैं भाप से, जो होता है ना वेपर जो बाहर बनते हैं, जब किसी वाटर को आप हीट करोगे तो वो बाहर होने के पर वेपर बनाता है, ठीक है, तो उस वेपर से होते हैं, ठीक है। ध्यान रखो जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो कोल्ड वाटर के साथ करते हैं, उनसे कम हॉट वाटर के साथ, उनसे कम स्टीम के साथ, ठीक है। तो जो कोल्ड वाटर के साथ होता है उसमें हमारा मेन मेन कौन होता है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम जो तीन होते हैं। हॉट वाटर साथ आई थिंक एल्यूमिनियम जाता है, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, और स्टीम के साथ हमारा आयरन आ जाता है, जिंक वगैरह आते हैं प्रेजेंट टाइम आयरन, ठीक है, जिंक भी। तो ये हो गया इस तरह से, कोल्ड वाटर के साथ कौन करेगा, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, इनको हॉट वाटर से स्टीम के साथ करने की जरूरत नहीं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर देंगे। एल्यूमिनियम को कोल्ड वाटर के साथ करो तो नहीं करेगा, यानी एल्यूमिनियम को बाहर रख दो ठंडे पानी में कोई उस पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन गर्म पानी का कुछ उस पर असर हो सकता है, ठीक है। मैग्नीशियम का भी होगा हॉट वाटर के साथ, उसके बाद स्टीम के साथ दो मेन होते हैं आयरन और जिंक, क्लियर। अब क्वेश्चन आता है क्या क्या बनाते हैं,
तो जो कोल्ड वाटर साथ रिएक्शन करते हैं वो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड। जो हॉट वाटर साथ करते हैं वो ऑक्साइड, और जो स्टीम साथ करते हैं वो भी क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। और इन तीनों के साथ क्या जुड़ा होता है? हाइड्रोजन। यानी जब कोल्ड वाटर के साथ ये रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तो पहले तो हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ साथ क्या बनेगा? हाइड्रोजन बनेगा। जब हॉट वाटर के साथ करेंगे रिएक्शन तो ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोक्साइड नहीं, ऑक्साइड गैस बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। और ऑक्साइड के साथ जब करेगा रिएक्शन, सॉरी स्टीम के साथ, तभी ऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। अब इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए, पहले इनका सिंबल जान लो, एन ए लिखे होते हैं मास सोडियम होता है, के से पोटेशियम होता है, सी ए से कैल्शियम होता है, ए एल से एल्यूमिनियम होता है, एम जी से मैग्नीशियम होता है, एफ ई से आयरन होता है, जेड एन से जिंक होता है। क्लियर? ये सिंबल इनके मतलब मिटना नहीं लिखते पूरा। अगर मैं सोडियम से करूं तो यह आ जाएगा क्या? एन ए प्लस एच टू ओ, यहाँ लिखना पड़ेगा कोल्ड, ठीक है। हमारा एन ए ओ एच, एन ए ओ एच प्लस एच टू, क्लियर। उसके बाद अगर पोटेशियम करो तो के एच टू ओ प्लस, ये अभी क्या रहेगा? कोल्ड रहेगा। के प्लस एच टू जो होगा वो होगा के ओ एच, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ओ एच मतलब हाइड्रोक्साइड होता है, ओ एच मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्साइड, ओ एच लगा तो हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं, और प्लस क्या रहेगा? एच टू, जब गैस है तो बाहर निकल जाएगा। उसके बाद कैल्शियम सी ए ओ एच ट्वाइस प्लस एच टू। कैल्शियम का डायरेक्टली कोई सोर्स नहीं होता है, उसको हम लाना पड़ता है, जैसे मान लो कि चूना होता है ना, चूना पत्थर, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड आता है उसको डालने पर वो बनता है वैसा, ठीक है। उसके बाद एल्युमिनियम का नंबर है, एल्युमिनियम का जब होगा तो एल्युमिनियम प्लस एच टू जब करोगे ये कोल्ड है, ये क्या लिखोगा? हॉट। हॉट जब जितने लिखेगा ए एल टू ओ थ्री बनेगा, ओ एच नहीं बने, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा, ठीक है। और ऑक्साइड लिखा है इसका मतलब क्या है? कि ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन मतलब ओ, क्या ओ, ओ से ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, ओ फॉर ऑक्सीजन, हाइड्रोक्साइड ओ एच, और क्या निकल जाएगा बाहर? हाइड्रोजन गैस। उसके बाद मैग्नीशियम एम जी होता है प्लस एच टू ओ, हॉट के साथ जब रिएक्शन करेगा एम जी ओ बनाएगा और क्या बनाएगा? एम टू ओ। ये सब कैसे हो रहे हैं ये क्लास 9-10 में समझ पाओगे, ठीक है, क्योंकि अभी इसके बाद डिटेल आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद एस टी क्या करोगे? एस टी होगा, क्या होगा? एफ ई टू ओ थ्री, क्या लिखा है? उसके बाद जिंक का जेड एन ओ प्लस एच टू एच टू, ये सब रिएक्शन है, ठीक है। ये हमारा स्टील के साथ है, ये हमारा हॉट वाटर के साथ है, ये हमारा कोल्ड वाटर के साथ। यानी जो मेटल होते हैं वो रिएक्शन जब वाटर के साथ करते हैं तीन कंडीशन होती है, नॉन मेटल नहीं करते। पहली बार ध्यान रखोगे जितने भी नॉन मेटल हैं वो रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। सभी मेटल भी रिएक्शन नहीं करते, लेकिन जितना करते हैं उतना बता देंगे। ध्यान को जितने भी नॉन मेटल हैं वो रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। किसी दिन मैं नॉन मेटल और मेटल कुछ लिस्ट बता दूंगा, ठीक है, और बाकी को आप ध्यान रखना। पहली बार ध्यान को जितने जितने हैं जितना मैं लिखा हूँ ये इंपॉर्टेंट मेटल, ठीक है। तो रिएक्शन वाटर में कुछ कोल्ड वाटर के साथ करते हैं, कुछ हॉट वाटर के साथ, कुछ स्टीम के साथ करते हैं, क्लियर। तो जो कोल्ड वाटर के साथ करता है उसमें सोडियम पोटेशियम कैल्शियम हो गए, जो हॉट वाटर के साथ करते हैं एल्युमिनियम और मैग्नीशियम हो गए, स्टीम साथ आयरन और जिंक, क्लियर। यह जब रिएक्शन करता है कोल्ड वाटर वाला क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइड। हॉट वाटर वाला ऑक्साइड बनाता है, और स्टीम वाला भी ऑक्साइड, लेकिन इनके साथ साथ और क्या निकल लगा रहता है? हाइड्रोजन गैस।
तो जब आप करोगे सोडियम प्लस H2O कोल्ड वाटर यानी फ्लोगे कोल्ड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस K प्लस H2O KOH प्लस H2 K प्लस H2O KaOH ट्वाइस प्लस H2 फिर हॉट वाटर के साथ फिर कोल्ड वाटर सॉरी स्टील के साथ ये हमारा इतना रिएक्शन है। लेकिन कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो हॉट वाटर कोल्ड वाटर या किसी भी वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो नॉन मेटल की तरफ वो अभी रिएक्शन नहीं करते। जिसमें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है गोल्ड गोल्ड कॉपर वगैरह हुआ गोल्ड हुआ कॉपर हुआ उसके बाद एल्यूमिनियम क्या नाम उसका सिल्वर हुआ प्लेटिनम हुआ ठीक है। ये कुछ ऐसे मेटल होते हैं कि जो किसी भी वाटर के साथ हॉट कोल्ड या स्टीम के साथ रिएक्शन नहीं करते ठीक है। तो ये इतना हो गया फ्रॉम इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक द रिएक्शन विद एसिड ठीक है। दो यहाँ तक पढ़ा दिया बाकी जो रहेगा मैं नेक्स्ट पढ़ा लूंगी। ओके थैंक यू।